नारनौंद की अनाज मंडी में जिला प्रशासन ने सुशासन मेले का आयोजन किया। इसमें आम जन को विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूक करने के साथ साथ पात्र व्यक्तियों तथा योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया गया। सुशासन मेले में जिला के सभी विभागों ने स्टॉल लगाकर अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किया और मेले में आए लोगों को योजनाओं व सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बारिश व खराब मौसम के बावजूद मेले में क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ी रही। डीसी अशोक कुमार मीणा ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र व चेक आदि वितरित किए। उन्होंने उपमंडल के 4 किसानों को 2-2 लाख रुपए अनुदान पर ट्रैक्टर भी भेंट किए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पौधे भी भेंट किए गए। रेड क्रॉस सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। डीसी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि आज का सुशासन मेले का कार्यक्रम बारिश के बावजूद भी बहुत सफल रहा है। भारी संख्या में लोग आए और उन्होंने विभिन्न योजनाओं का फायदा उठाया। हम भी लोगों के उत्साह को देखते हुए अन्य ब्लॉकों में भी ऐसे सुशासन मेलों का आयोजन करेंगे। हिसार उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि ऐसे मेलों का आयोजन करने का यही उद्देश्य होता है कि लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जा सके। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के ना पहुंचने पर बोलते हुए कहा कि वित्त मंत्री की कैबिनेट मीटिंग थी, इसलिए वह यहां नहीं पहुंच सके। आज नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में सुशासन मेले का आयोजन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच पाएं, उसके लिए एक प्रचार प्रसार किया जाए। और अभी तक जैसा आपको जानकारी है, सैकड़ों योजनाएं हैं भारत सरकार हरियाणा सरकार की, लेकिन कई योजनाएं जो कि जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस मेले का उद्देश्य यही है कि लोगों तक योजनाएं पहुंचें। और आप देखेंगे कि जैसे श्रम विभाग है, उसकी बहुत सारी योजनाएं लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं वो। तो हमने स्पेशल ड्राइव चलाई कि वो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ करा पाएँ और आगे भी इस ड्राइव को बरकरार रखेंगे, जिससे कि श्रमिक लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको भी पुरस्कृत किया है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएँ, लाडली योजना या जो कन्यादान योजना है या अन्य योजनाएँ जिनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना है, उनके लाभार्थियों को भी इसमें फ़ायदा दिया गया है। और कुछ लोगों के सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना है तो उसमें नए रजिस्ट्रेशन भी किए गए हैं। तो इस प्रकार के मेलों का आयोजन करने का उद्देश्य यही होता है कि लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जाए। सर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को आना था, क्या रहा? माननीय वित्त मंत्री जी महोदय, आज क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग थी और उसमें FD जो उनके पास फाइनेंस वित्त विभाग भी है, तो उनकी मौजूदगी आवश्यक थी, इसलिए वो आ नहीं पाए। और जो भी कार्यक्रम था उसमें जो जैसे था पहले की तरह वही बरकरार रहा है। सर, कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनको लोगों के बारे में जानकारी नहीं होती, कई बार पैसे लेने की बात आती है, तो ऐसे में लोग कहाँ पे जाके चलता है? देखो, उसमें दो बातें हैं। एक तो पहली बात तो कई योजनाओं की जानकारी नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, श्रम विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि लोगों तक पहुँचें और हम योजनाओं के बारे में जानकारी दें। रही बात, आपने कहा है कुछ करप्शन की बात भी आती है, तो उसके लिए अब सरकार सरल केंद्र के माध्यम से सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर रही है और समयबद्ध तरीके से उनका निपटान भी कर रही है। तो इस तरह सरल केंद्र बनाने का ब्लॉक लेवल पर और तहसील लेवल पर उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम मैन टू मैन कॉन्टैक्ट को कम करें और इस तरह के जो करप्शन की शिकायतें आती हैं उनको भी कम किया जाए। फिर भी बारिश के बावजूद भी काफ़ी लोग, संख्या में लोग आए, ये बड़े उत्साहजनक बात है। और हम आगे भी अन्य ब्लॉक्स में भी, अन्य जगह भी इस तरह के आयोजन करेंगे।